अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर है, पुलिस को काफिले में अतीक समर्थकों के घुसने का डर है। यूपी में घुसने के बाद समर्थक काफिले में आ सकते हैं, इस बात का डर है पुलिस को। पुलिस ने बैकअप के लिए अब दो रूट्स का प्लान तैयार किया है, क्योंकि लगातार यह सवाल बना हुआ था कि क्या यूपी में दाखिल होने के बाद कोई बदलाव हो सकता है। और यह देखिए, कुछ देर पहले ही जब हमने आपको दिखाया था, एक बार फिर से जब वॉशरूम पे रुका हुआ था अतीक अहमद का यह काफिला करीब 4 से 5 मिनट के लिए, देखिए पहला रूट क्या हो सकता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए बांदा, और दूसरा हो सकता है मैनपुरी से होते हुए प्रयागराज। कुमार कुंदर हमारे साथ मौजूद है जो झांसी में, क्योंकि ये जैसे ही अब मध्य प्रदेश के बाद जब झांसी पहुंचे यानी यूपी पहुंचेगा तो उसके बाद ये सीधा प्रयागराज तरफ जाएगा। और खबर आ रही है कुमार कुंदन कि यहां पर अतीक के समर्थक काफिले में घुस सकते हैं, कुछ गड़बड़ी मचा सकते हैं, क्या खबर आपके पास, इसको लेकर अब क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये रक्षा टोल प्लाजा है, झांसी के पास का है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। और खबर ऐसी है कि अतीक के समर्थक कोशिश करेंगे अपने आका के सामने अपनी हाजिरी बताने की, तो यही वजह है कि पुलिस जो है जिस डबल रूट की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि दूसरा रूट भी अख्तियार किया जा सकता है, इस पर एक सवाल और संशय बना हुआ है। हमारे साथ पुष्पेंद्र हैं जो अपने स्थानीय संवाददाता टीवी 9 भारतवर्ष के, जो दूसरा रूट की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो वो कौन सा रूट होगा यहाँ पे? दूसरा रूट अब कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि वो शिवपुरी से निकल आए हैं, रूट यही है, रूट यही से जाएंगे। इसके बाद यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे, एक्सप्रेस चित्रकूट और बांदा होते हुए प्रयागराज जाएंगे। अब रूट चेंज, अगर उसके पहले रौतेला से वो कर लेते तो आगरा होते हुए वो प्रयागराज निकल जाते, लेकिन अब रूट चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब वो निकल आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो रूट चेंज की बात है उससे फिलहाल अब एक नहीं, कुमार ये आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो झांसी संवाददाता हैं उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर रूट चेंज होने की संभावना नहीं है, अब झांसी से चित्रकूट और इसके बाद प्रयागराज जाएगा, लेकिन जो ये इनपुट्स आ रहे हैं इसको लेकर पुलिस में भी एक डर है।